हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, सपोज दैट अगर जो है हमको एक ये सिस्टम है और आपको इसे जो है परचेज करना है, खरीदना है, तो आप इसके बारे में पता करेंगे और जाएंगे सीधा मार्केट से इसको खरीद लाएंगे या फिर इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। आपके लिए बहुत ही आसान होगा इसको परचेस करना। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब किसी जो सरकारी संस्थान है, चाहे वो जो है भारत सरकार या जो है राज्य सरकार के उनके जो है उपक्रम हैं, और वहाँ पे जब ऐसी चीज़ों की जो है बात आती है परचेज जिंग की या फिर प्रोक्योरमेंट की, चाहे वो कैपिटल आइटम हो, मशीनों की, नई मशीनों की खरीद फरोख्त की बात हो रही हो, चाहे मशीनों की स्पेयर पार्ट्स की खरीद फरोख्त की बात हो रही हो, या चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देने की बात हो रही हो, कुछ और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कराना हो, कुछ इस तरह के काम अगर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है, वहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? जनरली जो एक अपनी आम पब्लिक है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इतना समय क्यों लगा रहे हैं। जो चीज़ जो है हम जाते हैं 5 मिनट में या जो है 1 घंटे में करके चले आते हैं, इसको महीनों महीनों तक जो है क्यों होल्ड किया जाता है, एक एक महीने क्यों लग जाते हैं। तो इसके पीछे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में, और ताकि आप भी समझ पाएं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, चाहे पीएसयू सेक्टर होते हैं, वहाँ पे किस तरीके से जो है क्या प्रोसीजर होता है खरीद फरोख्त का, तो जो है वो सारी चीज़ें जो है कैसे परफॉर्म की जाती हैं। पहली बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअली इस चीज़ को जो है कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो इसके लिए होलसेल आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हो सकता है कि करंट में आपसे कोई सवाल जवाब करे, लेकिन अगर आपके आपसे यही सवाल कोई जो है 1 साल बाद में, 2 साल बाद में आके पूछे कि आपने इसको कैसे खरीदा, क्यों खरीदा, इतने में क्यों खरीदा, इस तरह से आपसे अगर 10 तरह के सवाल करेगा, तो हो सकता है कि आप झल्ला जाएं। ठीक इसी तरीके से वहाँ भी ये संभावना बनी रहती है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि आज की डेट में करंट में आपने जो वहाँ की परचेज पॉलिसी है, सिस्टम है, उसको बाईपास करके फटाफट आपने काम तो करा दिया, लेकिन चूंकि वो सारे ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ पे भारत सरकार के अलग अलग जो है ऐसे विजिलेंस या ऑडिट की जो कंपनियाँ होती हैं, वो बीच बीच में उसको रिव्यू करती रहती हैं, या इवन उस कंपनी में ही बहुत सारे जो एक ऑडिटिंग के डिपार्टमेंट होते हैं जो ये बीच बीच में जो है ऑडिट कराते रहते हैं, और ये देखने के लिए कि जो हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, जो हमने परचेज पॉलिसी बनाई हुई है, जो हमने सिस्टम बनाया इस कंपनी को, मतलब बखूबी जो है चलाने के लिए, उसको कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो है कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब जितना आसान जो है पाना है, उससे कहीं ज़्यादा जो है टफ होता है उसको मेंटेन करना, उस रहते हुए उस सेक्टर में, खास करके अगर आपकी जो है पोस्टिंग कुछ सेंसिटिव जोन में हो गई है जहाँ पे डायरेक्ट जो है पैसे का लेना देना है। तो उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि सपोज दैट हमको ये जो है ये एक ग्रेनारो का जो है एक माइक्रोफोन माइक है, और हमको 1000 पीस इसको खरीदना है। तो हो सकता है कि आपको अगर खरीदना हो तो डायरेक्ट आप मार्केट में ऑर्डर दे देंगे, या फिर एक दो कंपनियों को पता करेंगे, कुछ उसके बारे में जानेंगे, और जो है आप सीधा उसको मतलब ऑर्डर दे देंगे, पेमेंट करेंगे और आपको मटेरियल रिसीव हो जाएगा। बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको इसे खरीदना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मार्केट में जो जो लोग जो है इस तरह के सिस्टम बना रहे हैं उनसे आपको संपर्क करना है, और अपना एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यानी आपको क्या क्या चाहिए उसको एक सेपरेट एक लिस्ट पे आपको सारी चीज़ें लिख करके, और आपको उन पार्टियों को जो है सौंपना है, मतलब उनको मेल करना है और बताना है भाई हमको इस तरह का सिस्टम चाहिए और जिसमें ये सारी खूबी होनी चाहिए। और इस तरह से आप मार्केट में जो भी जितने भी प्लेयर हैं, एटलीस्ट मिनिमम जो है 3-4 इतने लोगों से तो आपको जो है इस सिस्टम के आपको ऑफर मंगाने पड़ेंगे कि भाई ये चीज़ हमको चाहिए, 1000 पीस चाहिए, आप कितने में देंगे, आप कितने में देंगे, आप कितने में देंगे, और हमारी ये ज़रूरतें हैं। तो इस तरीके से आपके पास में जब एक तरह से वो एक तीन मिनिमम 3 या उससे ऊपर जो कोटेशंस आपको अगर जब मिल जाते हैं, ऑफर मिल जाते हैं, फिर आप उन तीनों के जो मिनिमम रेट होते हैं या फिर उनके जो एवरेज रेट होते हैं, उस रेट के हिसाब से आप अपने जो है जो आपका एक टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, आप उसको इंडेंट पे बनाते हैं, और फिर उसको जो है जिस तरह की जो है पॉलिसी है कि भाई एक सर्टेन लिमिट के भीतर जो है आप उसको कब सिंगल टेंडर दे सकते हैं, कब ओपन टेंडर दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ की अपनी कैसी पॉलिसी है। लेकिन अब आप उसको जो है ओपन टेंडर, सपोज दैट आपने उसको ओपन टेंडर प्लेटफॉर्म पे आपने उसको टेंडर निकाल दिया,
अब क्या है कि मार्केट में जो है बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे प्लेयर होंगे जो इस फील्ड में, यानी कि जो इस तरह के माइक्रोफोन सप्लाई कर रहे होंगे, तो वो आपसे जो है संपर्क करेंगे और वो जो है उसमें जो है अपना बिडिंग डालेंगे। अब बिडिंग डालने के बाद में, अच्छा उस समय आप बहुत सारे उसमें जो है क्लॉज भी लगा देते हैं कि भाई जो है हमको वही, ऐसा ना हो कि कोई भी सड़क पे जो है दुकान रखा हुआ है और वही आकर के आपको जो है दो टू इस तरह का सप्लाई करने की बात कर दे, ऐसे नहीं। रेपुटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अच्छे रिटेलर्स हैं, जो रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वही आपके साथ जो है डील करें, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए आपने बहुत सारे जो है प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट करते हैं कि भाई जो है आपकी कंपनी जो है आपका जीएसटी जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप एमएसएमई होने चाहिए, आपने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ कम समय के लिए सप्लाई किए होने चाहिए, मतलब, या फिर आपका जो है पॉजिटिव, आप जो है अच्छे आपने परफॉर्म किए हों पिछले जो है 2-3 सालों में, आप अपनी फाइनेंशियल जो है शीट हमको सबमिट करिए इस तरीके से, ताकि जो अच्छे सप्लायर्स हैं वो ही उसमें बिडिंग डालें, बाकी लोग जो है छट जाएं। तो लोग उसमें बिडिंग डालते हैं, आपने 3 से कोटेशन लिया था, हो सकता है 3 के बजाय उसमें 30 आ जाएं, 10 आ जाएं, फिर उन सभी की जो है प्रक्रिया होती है कि आपने जो अपने कंडीशन लगा रखी है उस कंडीशन का फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, फिर उसमें से कुछ क्वालिफाई होंगे, कुछ डिसक्वालीफाई होंगे, और जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद में जा करके जो है फिर उनको आप सेलेक्ट करेंगे, उनके प्राइस बिड ओपन करेंगे, प्राइस बिड जब ओपन हो जाएगा तो फिर उनकी जो जो रेट हैं वो L1 L2 के हिसाब से, वो जो है आप जो है मिनिमम जो रेट कौन दे रहा है, सारी चीज़ें फुलफिल करते हुए आप वहाँ से एक कंपैरिजन सीट बनाएंगे उनके रेट लिस्ट की, और वहाँ से जो जो है कंपटीशन में बीट करेगा उस तरह से, तो उसको कहीं जा करके आप उसको जो है ऑर्डर दे पाएंगे, और तब जा करके वो भी कुछ समय लेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, ठीक है, जो भी उसमें जो है आपने कंडीशन डाल रखी है उसके हिसाब से, तब कहीं जा करके वहाँ से मटेरियल सप्लाई करेगा, मटेरियल आएगा, और मटेरियल आने के बाद में फिर कहीं उसका पेमेंट प्रोसेस शुरू होगा, वो भी आप क्वालिटी टेस्ट में पास होने के बाद में। तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती रहती है पेपर वर्क की, और इसका कारण यही होता है कि आज के 2 साल बाद या 10 साल बाद में जब भी कोई जो है ऑडिटर्स आएगा आपसे पूछेगा, तो आप उसको सारे जो है सबूत देख सकते हैं, सारे पेपर उसको जो है आप उसको दे सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि सपोज दे सोचो, अगर आपने जो है आज की डेट में जल्दबाजी में कुछ भी काम को परफॉर्म तो कर दिया, ठीक है, लेकिन आज के 2 साल बाद में आपका सामना जो है मतलब कहीं कोई केस हो जाता है या कोई आपसे क्वेश्चनिंग कर देता है कि जी आपने तो इसको जो है कितने में खरीदा, आपने बोला जी ऐसा है ना कि ये सही रेट पे हमको मिला, सस्ता दे दिया है, क्वेश्चन आएगा कैसे पता आपको सस्ता दे दिया, जी मार्केट में 1000 में मिल रहा था हमें 800 में मिल गया, अच्छा जी, तो हो सकता है कि आप जो है और लोगों से संपर्क करते, हो सकता है आपको 750 में मिल जाता, 700 में मिल जाता, आप ओपन टेंडर करते, हो सकता है 650 में मिल जाता, मतलब आपको तरह तरह के सवालों के जो है सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को फॉलो करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए आप, अच्छा एक चीज और आप देखे होंगे कि जनरली जो है जो एक हमारी आम पब्लिक है वो ये बोलती है कि जब कभी जो है कोई कोई जो है VIPs का विजिट होता है, मंत्री नेता का विजिट होता है, तो उस इलाके में जो है फटाफट से सड़कें बन जाती हैं, फटाफट से चीज़ें जो है एकदम डेकोरेट कर दी जाती हैं, और उसमें तो समय नहीं लगता है, जाहिर सी बात है हमारे अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके अंदर भी आता होगा, लेकिन जब तक इस चीज़ को मैं नहीं समझता था तो मेरे को लगता था कि ये सब चीज़ें जो है मतलब बहुत ही वर्स्ट है प्रोसीजर फॉलो, मतलब वो सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता था, हम गुस्सा आता था अंदर से कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, लेकिन अब जो रियलिटी है उसके पीछे कि अगर कोई जल्दबाजी में चीज़ हो भी जाती है तो खास करके जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बैक डेट में जा करके इन सारी प्रोसीजर्स को जो है जरूर फुलफिल करते हैं, अदरवाइज जो है फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए किसी भी जो है चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पीएसयू सेक्टर हो, वहाँ पे ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, जो प्रोक्योरमेंट की होती हो, चाहे स्पेयर प्रोक्योरमेंट की हो, चाहे वो कैपिटल आइटम या नई मशीनरीज या कुछ नए जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने हो, इस तरह की प्रक्रियाओं में समय लगता है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हर कोई इस डिपार्टमेंट में रहते हुए या फिर बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आपको समझ में आएंगी, और कैसा लगा है वीडियो हमको कमेंट करके जरूर बताना, इससे रिलेटेड कोई जो है जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपका दिन शुभ हो।